चुप छुप आराम से टेस्ट देते रहो, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, क्वेश्चन कुल मिला करके यही है, है ना? क्वेश्चन यही ना है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन आप लोग का सुन रहे हैं कि आपका टेस्ट भी पर मंथ होने हो रहा है, हो रहा है ना? आ चटाई तिरपाल पे बैठ के आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, बात सही है? अरे चटाई तिरपाल पे एग्जाम हो रहा है और कोई छाप छुप के लिख रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चा सब वही मोबाइल में सर्च कर करके भी लिख रहा है, बात सही बोले कि झूठ बोल रहे हैं? मोबाइल लेके जा रहा है सब, उसी में सब मोबाइल से निकल निकल के लिख रहा है, लिख रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम भी टेस्ट पर सप्ताह तुम लोग का लेते हो तो पर महीना लेने के प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट लेते हैं हम। लेकिन उस टेस्ट में, इस टेस्ट में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ जोर से। उसमें छाप सकते हो एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में वो लोग अगर इस प्रकार से टेस्ट तुम लोग देगा जो स्कूलों में दे रहा है, तो क्या कदाचार मुक्त बिहार होगा कभी? नहीं, क्योंकि मास्टर लोग पढ़ाई नहीं रहा, खाली हर महीने टेस्ट ले रहा है। ट्यूशन नहीं पढ़ता है लोग, तो बोलो कि ट्यूशन पढ़ाते तो पैसा आप लोग 80,000 महीना आप ही लोग ना लेते हैं? कहाँ हम लोग 200 रुपया महीना में पढ़ रहे हैं, कहाँ आप 80,000 महीना का लेते हैं? अब का ट्यूशन अलग है, झोरा छाप सब बोलता है सरकारी मास्टर लोग, झोरा छाप बोलता है? तो बोलो ना कि झोरा छाप से कभी औकात हो तो चल के बतिया लीजिए। बोला है कभी? बोलना डायरेक्टे बोलना, क्लासे में बोल देना कि जब औकात हो तब बोलिएगा, जिस सब्जेक्ट में बोलिएगा उसी सब्जेक्ट में आकर के आपसे फरिया लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, बोलना मास्टर साहब को, बोलना कि आकर के कभी बाबा का टेस्ट एक सप्ताह का झेल के दिखा दीजिए, अगर ना झोरा झंडा ले करके भागे आप तो फिर बताइएगा। इसमें मुड़ी भी हिलाना डोलाना मुश्किल है, इधर उधर मुंडी हिलाया तो व्हाट इज दिस, दिस इज डंटा, दुख हरण बाबा। बाबा के हाथ में क्या है? देखो ये कैसे लिख रही है, छाप रही है? नहीं, ये बना रही परिमेकरण, ये बना रही है अंग्रेजी, ये भी बना रही है अंग्रेजी। तुम क्या छाप रही है इसमें से? छाप रहे, देखिए। हाँ तो टंगई टेढ़ कर देंगे इधर। अरे क्या बना रहा है? दर्पण सूत्र, बहुत अच्छा। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है नहीं बताएगा, ये बताएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा वी। हाँ प्लस में है, दोनों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। लिख रहे रे, हाथ कॉपी रुका क्यों है? चल लिख 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 तेजी में, हो गया पूरा? चल क्वेश्चन बन रहे रे। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ हम बोर्ड पे लिख दिए जिसके बारे में ना पढ़ाए कोई बोलेगा? है क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ जो हम क्वेश्चन ना कभी पढ़ाए हो और उसके बारे में हम पूछ रहे हो? बोलो है? तुम बोलेगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन हम लिख दिए हैं जिसके बारे में कभी ना पढ़ाए हो? नहीं सर। ये बोलेगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखे हैं जिसके बारे में ना कभी पढ़ाए हो? सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए था ना? आ टेस्ट में फेल करोगे तो क्या करेंगे हम? अच्छा बस 10 टकिया। लेकिन ये देखो, ये कुछ और बोलेगी। अगर तुम टेस्ट में फेल होगी तो हम क्या करेंगे? 20 रुपया ले लेंगे। वाह ये भी बोलेगी। टेस्ट में फेल होगी तो क्या होगा? पैसा लीजिएगा। हाँ इसीलिए फेल नहीं ना होना है। नहीं। वाह शाबाश, ये भी बताएगा। टेस्ट में फेल होगा तो क्या होगा? 10 टकिया देना पड़ेगा। 10 टकिया देना पड़ेगा ना, इसीलिए क्या करना चाहिए तुम्हें? पढ़ना चाहिए, ये भी बताएगा। टेस्ट में फेल नहीं ना होगा? नहीं सर। फेल होगा तो क्या होगा? 20 टकिया देना पड़ेगा। कितना नंबर का टेस्ट हो रहा है? 50 नंबर का। कितना नंबर लेके आना होगा पास होने के लिए? 25 नंबर। हमारा टेस्ट सबके बस की बात है झेल लेना? नहीं। आसपास का कोई भी बहुत ज़्यादा तेज तड़ाक जो बनता हो ना, है आसपास में जो जितना ज़्यादा तेज बनता हो लेके आ, बोल के बाबा का टेस्ट कभी पास होके दिखा दे। पास हो जाएगा रे? पास हो जाएगा, ये बताएगी। क्या? तेरे क्लास में बहुत ज़्यादा तेज लड़की भी होगी तो उसको बुला के लेके आ, अब बोल कि एक सप्ताह में बस बाबा का टेस्ट पास होके दिखा दे। मोर पे का खुला हुआ बंद है, ये बताएगा। अरे क्या बताएं? टेस्ट में फेल होगा तो क्या होगा? 10 रुपये देंगे। तो इसीलिए फेल नहीं ना होना पड़ेगा? आज जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, पढ़ाए हैं कि बस ऐसे ही लिख दिए हैं?
और जो सरकारी स्कूल में क्वेश्चन आ रहा है उसे मास्टर लोग पढ़ाता है कि ऐसे ही पूछ देता है? कोई नहीं पढ़ाएगा, फिर भी लोग क्वेश्चन पूछ देता है, तो गलती है कि सही है? बोले लो इंग्लिश में, इंग्लिश किताब नहीं खुला हुआ था, बोल रहा है छोड़ दो। हाँ बात सही है, ये रिपोर्ट आ रहा है मेरे पास, सुनने को मिल रहा है कि विद्यार्थी सब मोबाइल लेके जा रहा है, उसमें सर्च कर करके लिख रहा है, कुंजी का गाइड सबसे लिख रहा है, छत पे ले जाके सर्च करके लिख रहा था। ये बताएगा अभी 10 का एग्जाम दे करके आया है। बात सही है कि लड़का सब मोबाइल वोबाइल सब ले जा करके चिट कर रहा है? यस सर। कर रहा है ना? और इसमें इसे क्या लगता है कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का एग्जाम होगा फाइनल में, इसे कदाचार मुक्त हो जाएगा कि सब चिट करेगा जाके वहाँ भी? यहाँ पर चोरी करना सीख जाएगा तो वहाँ पर नहीं करेगा? करेगा हल्ला तुम लोग, हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ क्या बतिया रहे तो बतियाओ हमसे। मैं बात कर रही थी सर। जिसको भी बात करना, ओनली टॉक टू मी, यू कांट टॉक एनी अदर बॉयज और गर्ल्स, ओके? तुमरे ये तो पक्का फेल होगी। कई बार से फेल हो रही है, बोल जल्दी। फेल हो रही है? क्यों फेल हो रही है? मम्मी पापा खाना पीना देते हैं, पढ़ाई लिखाई के कॉपी कलम देते हैं, तो फेल क्या होती है? ही देख, ब्रांड बनना है ना सर, तो पढ़ाई करना होगा, लफुआ ही नहीं। चलो ही देखो, ये कोई स्पेशल बागर बिल्ला होगा, इसका भी मुंह दिखा देते हैं। तनी मुंह ऊपर कर रहे, रे ये कब से बेचारा मुर्गा बना हुआ है? रे मुंह ऊपर कर, कब से मुर्गा बना हुआ है? 6 बजे से। का है सर? ये आई भागे थे, याद कर रहे थे, याद नहीं किए थे तो आप बंद किए थे ना, हम भाग गए। क्यों भाग गया था? जो हम होमवर्क दिए थे उसको तुमको पढ़ के आना चाहिए था ना? यस सर। तो भागा क्यों था? जब हम बोले थे कि घर पे नहीं याद किया था, यहाँ पे तुमको याद करना, भागना नहीं ना चाहिए था? तो बंद कर देते तो भागेगा तो बंद नहीं करेगा?